दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया है, अपनी पार्टी को एक बार फिर बहुमत के आंकड़े के कहीं आगे वो ले गए हैं। पहली बार को अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों बार यानी 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने सीधे 60 का आंकड़ा पार कर लिया। इस बार 62 सीटें हासिल की, पिछली बार 67 सीटें हासिल की। तो इस बार हर शख्स यही पूछ रहा है कि ये जो जीत है वो संयोग है या प्रयोग है। सियासत के इस ईमान के आगे हिल उठे नफरत के मीनारों मेहराब, जमाने के इस दौर के आगे कांप उठी जमहूरियत के तकाजों को ठोकरों पर रखने वाली दिलफरेब अदाएं, टूट गए अपने आप। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। I love you। जनता की आती हुई पलटन ने तमन्नाओं की सड़कों पर लिख दिया हिलेले झक झोर। दिल्ली की आवाम ने खारिज कर दिया हर उस चेहरे को जिसने चालाकियों के राजपत्र पर गणतंत्र का मरसिया लिखने की कोशिश की। खारिज कर दिया हर उस चाल को जिसने जनता की आवाजों का मजाक उड़ाया और हर उस चरित्र को जिसने जनता के सबसे बड़े उत्सव को नफरतों की नुमाइश में बदलने की नापाक कोशिश की। मैं पहले से ही पता था 70 में से 70 सीटें आएगी, कोई बात नहीं, अगली बार 70 सीटें आएगी। 5 साल तो यही कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी हमेशा यूपी तक आवे, आज दिल्ली के अंदर है, कल हम तो यही चाहते हैं कि यूपी तक जाए। हम जिएंगे और मरेंगे ए केजरीवाल तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए केजरीवाल तेरे लिए। शाहीन बाग के बहाने चुनाव के मैदान में हिंदू मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी। केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों ने उसे आगे बढ़ाया था और पूरी बीजेपी उस दीवार पर विजय की पताका लहराने के अभियान में लग गई थी। ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। नागरिकता कानून के जिस विरोध में प्रधानमंत्री ने संयोग और प्रयोग की तुकबंदी मिलाकर विमर्श को बदलने की कोशिश की थी, उसे दिल्ली की जनता ने पूरी बीजेपी के लिए एक दुरयोग में बदल कर रख दिया। दिल्ली की जनता ने अपने दिलों से बाकी सारे पोस्टर उखाड़ फेंके और लिख दिया केजरीवाल हमारा नायक। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा, वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बनवाएगा। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है, एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है, यह देश के लिए बहुत शुभ संदेश है और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। ये केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। एक तरफ सैकड़ों सांसदों की फौज तो दूसरी तरफ जमीन पर जूझते अनाम कार्यकर्ता, एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों के काफिले तो दूसरी तरफ घर घर जाकर बिजली पानी स्कूल अस्पताल की बेहतरी के फायदे के नाते गुमनाम लोग। पूरी बीजेपी ने यह साबित करने में ताकत झोंक दी थी कि केजरीवाल विकास के विरोधी हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने मिलजुल कर लिख दिया विकास का मतलब केजरीवाल। सारे संयोगों के खिलाफ प्रयोग की तरह खड़ी हुई आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि जनता की आवाजों का अनादर लोकप्रियता के तमाम मुहावरों को नेस्तनाबूद कर दिया करता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं,
कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्ली वासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। 1.5 महीने से दिल्ली की जमीन पर लगाई जा रही जहरीली सियासत की फसलें चौपट हो चुकी है, उजाड़ हो चुकी है जुमलों की खेतियां, और जमहूरियत के किसानों ने अपनी खुरपी से रोप दिए हैं असल जिंदगी से वाबस्ता मुद्दों के बीच। दिल्ली की जनता ने विश्वास की चट्टानों पर लिख दिया है अगले 5 साल तक हमें केजरीवाल के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। आज तक ब्यूरो। प्रचंड जनादेश मिला अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर, उसके बाद हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे से फोन पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या क्या कहा है सुनाते हैं आपको। Congratulations, Arvind. Huge win. What does this victory mean for you? Is this even bigger than what happened in 2015 from a personal and party point of view? ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है जो आज दिल्ली के लोगों ने की है, कि एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, काम की राजनीति, और कि अब स्कूल बनाने पे वोट पड़ने चाहिए, अस्पताल बनाने पे वोट पड़ने चाहिए, बिजली 24 घंटे करने पे वोट पड़ने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है, अरविंद संकेत है देश के लिए। Have you established a new model? Is there now an Arvind Kejriwal model of governance that we are seeing in this election? दिल्ली के लोगों का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, दिल्ली के लोगों की नई किस्म की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल तो बहुत छोटा है, अरविंद केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। दिल्ली के लोग बहुत बड़े हैं, उन्होंने देश के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय पीपल ऑफ दिल्ली। जस्ट अ क्विक वर्ड एंड ऑल्सो ऑन द कैंपेन अरविंद, जिस तरह की कैंपेन रही, आपने भी बहुत एक सधी हुई कैंपेन आपकी तरफ से भी रही, बीजेपी आपके एक सामने थी, उनका थोड़ा वोट शेयर बढ़ा जरूर है, कुछ सीट भी बढ़ी है, इस कैंपेन के बारे में कुछ बोलेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बिटर कैंपेन हुआ, चुनाव खत्म हो गए, अब सब लोग अपना बिटरनेस भूल जाएं, सब लोग अपना बिटर कैंपेन भूल जाएं, और अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करें और दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे, दिल्ली के लोगों के साथ सारी सरकारें मिलके दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे। आम आदमी पार्टी को अगर यह ऐतिहासिक जीत मिली है तो उसका कारण और सबसे बड़ा कारण है एक नाम, और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ने मैदान में उतरे, उस समय से पूरी तरीके से स्पष्ट था कि वो क्या रणनीति अपनाने वाले हैं। वो नकारात्मक राजनीति पहले ही छोड़ चुके थे, यानी 2019 के आम चुनावों के नतीजे आने के बाद वो नरेंद्र मोदी पर नाम लेकर निशाना नहीं साधते, शाहीन बाग जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधना उन्हें बेहतर लगता था, और कुल मिलाकर सिर्फ अपने काम को उन्होंने आगे रखा, दिल्ली की जनता ने उन्हें सर माथे पर रखा। विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को मिला दिल्ली के लोगों का वोट, केंद्र में मेरी शक्ति भी बढ़ाएगा। भाजपा सरकार बनाएंगे, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, दिल्ली को सुरक्षित करेंगे। दिल्ली ने बीजेपी के किसी दावे को सच नहीं माना, दिल्ली ने बीजेपी के किसी वादे को सच नहीं माना, दिल्ली ने बीजेपी के किसी नेता पर भरोसा नहीं किया, और बीजेपी इस भ्रम के तकिए पर सोती रह गई कि जनता को उसने दीवाना बना रखा है। लेकिन जब नींद खुली तो इश्क का वहम धराशायी हो चुका था। इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं थी जितनी खुशी मुझे अपने केजरीवाल जीतने में है। रिंकिया के पापा कह रहे थे 48 सीटें आएंगी, मैं कहूंगा रिंकिया के पापा कम्बल लौट के सो जाओ। दिल्ली की जनता मोदी को ज्यादा पसंद करेगी या केजरीवाल को, और ये तुलना दिल्ली की आखिरी गली के आखिरी आदमी तक के जहन में थी। केजरीवाल या मनोज तिवारी, केजरीवाल या विजय गोयल, केजरीवाल या प्रवेश वर्मा, केजरीवाल या विजेंद्र गुप्ता, ऐसी तमाम तुलनाओं को जनता ने निरर्थक सिद्ध कर दिया। उसने कह दिया केजरीवाल के मुकाबले कोई नहीं। सब चीजों के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी,
और सभी दिल्ली वासियों का ये जो जीत है ये सीएम साहब की नहीं है, सभी दिल्ली की जीत है। देखिए ये जो जीत है ये आम आदमी की जीत है, जिसमें आम आदमी ने ये साबित कर दिया है कि जीत विकास के नाम पे होगी, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगी। खुद केजरीवाल भी हतप्रभ थे, उन्हें अभी भी ये चमत्कार जैसा लगता है। फुर्सत होते ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, वोटिंग के दिन भी गए थे, श्रद्धा के फूल चढ़ाए, प्रसाद लिया और कहा ये बजरंग बली का ही आशीर्वाद। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के तमाम चतुर सुजानों को बता दिया कि सियासत में राष्ट्रवाद और धर्म की पतीलियां बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें हर बार दवाई पढ़ाई और रोटी रोजगार की तरफ खींचने वाले नेता हों और उन नेताओं की सियासतों में नैतिक बल बाकी हो। देखिए अब हमारा मकसद तो बेसिकली दिल्ली के जनता के मुद्दों का विकास करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, ना वो शिक्षा पे बात करना चाहते, ना स्वास्थ्य पे बात करना चाहते, ना कोई मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाह रहे थे। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने तीसरी बार नायक सिर्फ इसलिए नहीं चुना है कि उनकी भाषा लच्छेदार है, सिर्फ इसलिए नहीं चुना है कि उनके वादे दमदार है, सिर्फ इसलिए नहीं चुना है कि उनका लहजा ठसकेदार है। आम आदमी कहती है उन्हें दिल्ली की जनता ने इसलिए अपना नायक चुना है कि उनकी कथनी और करनी के बीच उसने एक पुल का भरोसा देखा है, जो न मोदी जगा सके, न अमित शाह, न नड्डा, न रविशंकर और न प्रवेश, अनुराग या आदित्यनाथ। पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को, पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, उनका आम परिवार का बेटा बनके काम किया, उसको वोट किया है और बहुत खुशी है कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी बंपर जीत मिली है। पटपड़गंज भी उसमें शामिल हुआ है। मुझे पटपड़गंज के विधायक बनने पर एक बार फिर से खुशी हो रही है। सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। लोगों के दिलों में कूट कूट करके नफरत फाटने की जो कोशिश हो रही थी, आज दिल्ली ने बताया दिल्ली इस देश का दिल है और इस दिल में मोहब्बत बसती है। नफरत वालों को परास्त करके काम कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आसमानी मुद्दों से बार बार जमीन पर खींचा। बीजेपी बार बार दुहाई देती कि दिल्ली को दिल्ली पर नहीं पाकिस्तान पर सोचना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सोचना चाहिए, उरी और पठानकोट पर सोचना चाहिए। लेकिन दिल्ली ने केजरीवाल की हथेली पर अपने भरोसे का सिक्का रख के कहा है हमको लिखाई पढ़ाई पर सोचना चाहिए, दवाई पर सोचना चाहिए, महंगाई पर सोचना चाहिए। आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ चुनावों को अगर देखें और उनके नतीजों का आकलन करें, दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो कई बातें साफ होती हैं। वो ये कि दिल्ली की जनता हर चुनाव में एक अलग मन बनाकर आती है। कम से कम विधानसभा के चुनावों में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे, और इन स्थानीय मुद्दों में गाली गलौज या गोलियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। देश के गद्दारों को जमहूरियत के दस्तूर ने वोट की चोट से कहा है आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए। दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको मारेंगे। दिल्ली की जनता ने कहा आपके ओछेपन को हम दूर से ही सलाम करते हैं। उन्हें तो साइन बाग को प्रायोजित करने और साइन बाग में
बिरयानी खिलाने से ही फुर्सत नहीं है। दिल्ली ने कहा, हमें गंगा जमनी तहजीब की, अमन भाईचारे की, विविधता में एकता की बिरयानियां पसंद हैं। आपको प्रणाम। जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही है, वैसे उसे शाहीन बाग नहीं दिशाहीन बाग कहना चाहिए। दिशाहीन बाग क्या तौहीन बाग कहना चाहिए, शाहीन बाग नहीं, ये तौहीन बाग। दिल्ली ने कहा, हम आपके प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को खारिज करते हैं। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे। केजरीवाल जानते थे दिल्ली की जनता करंट किसको देने जा रही है और कितना देने जा रही है। अमित शाह जी रास्ता खुलवा दें तो जो आज अमित शाह जी कह रहे हैं ना, बटन इतना जोर से दबाना कि शाहीन बाग में करंट आए, अगर शाहीनबाग का रास्ता खुलवा दिया तो वो बटन जो है इतनी जोर से दबेगा कि बीजेपी के दफ्तर में करंट आएगा उसके बाद। उस रोज केजरीवाल का आत्मविश्वास देखने लायक था, और जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लोग पोस्टर लेकर खड़े हो गए थे, बताइए करंट लगा क्या। केजरीवाल की आंधी ने बीजेपी के दिग्गजों से चेहरा दिखाने की गुंजाइश भी छीन ली थी। वोट के लिए सार्वजनिक जीवन में सदाचार से की गई बदतमीजियां बीजेपी को बहुत भारी पड़ी। ये जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है, केजरीवाल जी के डेवलपमेंट मॉडल की जीत है, और ये दिल्ली के बड़े बेटे, दिल्ली के श्रवण कुमार, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। लेकिन मजा देखिए, एग्जिट पोल के सारे आंकड़ों में बीजेपी की दुर्गति के अनुमानों को प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मजाक में उड़ा दिया था। बीजेपी 48 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मैं बस इतना प्रार्थना करता हूं, मैंने ट्वीट किया है उसको संभाल के रखे सब लोग, हम 11 को बात करेंगे। इंतिहा तो ये हो गई कि नतीजे साफ हो जाने के बाद भी अध्यक्ष जी किसी चमत्कार की संभावना का इंतजार करते रहे। जो पहले 5 चरण के तो उसमें तो बीजेपी को 2 ही मिल रही थी, एग्जिट पोल 2 दे रहे थे, और अभी 22 आ रही है बीजेपी की, तो अभी जो 5वें चरण 4थे चरण के बाद का जो खुलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इंतजार किया जाए। और जब इंतजार खत्म हुए तो बीजेपी औंधे मुंह गिरी नजर आ रही थी। मनोज तिवारी का दिल बैठ गया था, उन्हें अपनी सल्तनत लुटी हुई दिख रही थी। ये संयोग है या एक प्रयोग है कि लोकसभा चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट हासिल करके नंबर 1 रही, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 रही, आम आदमी पार्टी नंबर 3 रही, लेकिन विधानसभा चुनावों में इस क्रम को जैसे पलट दिया गया, आम आदमी पार्टी 50% से अधिक वोट हासिल करके नंबर 1 हो गई। तो वो लोग जिन्होंने ये कह दिया था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर अरविंद केजरीवाल शायद राख हैं, अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि विधानसभा चुनाव आते हैं तो वही राख दिखाता है कि उसमें से किस तरीके से एक चमत्कार के तौर पर प्रकट हुआ जाता है। मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ऐसी ही शानदार जीत के साथ केजरीवाल का इस्तकबाल दिल्ली ने 5 साल पहले भी किया था। अंदर एक डर भी लग रहा है, इट्स वेरी स्केरी जितना बड़ा दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। तब तो उस जीत को देखकर केजरीवाल डर ही गए थे। 2015 से 2020 के बीच 5 साल के सफर को तय करके फिर से जीत पाना किसी फीनिक्स चिड़िया का अपने ही भस्म से पैदा हो जाना है।
नहीं तो 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा का चुनाव हार गई, उसी साल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गई। पिछले साल लोकसभा चुनाव में दिल्ली का उसका प्रदर्शन इतना बुरा था कि आपके लिए अच्छे दिन के आसार नहीं दिख रहे थे। लेकिन 2020 में हर हार को मिटाकर केजरीवाल ने जीत की नई कहानी लिख दी। ये बता दिया कि हार तो संयोग हो सकता है, लेकिन जीत के लिए प्रयोग चाहिए, काम का प्रयोग। सबसे पहले मैं दिल्ली के 2 करोड़ परिवार के लोगों को सिर झुका के सत सत नमन करूंगा। उन्होंने काम के नाम पर वोट दिया, केजरीवाल जी ने जो 5 साल दिल्ली की जनता की सेवा की उसके नाम पर वोट दिया, और आज दिल्ली के 2 करोड़ परिवार के लोगों ने बता दिया उनका बेटा आतंकवादी नहीं कट्टर देशभक्त है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीटें हार गई। हारी ही नहीं, तीसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर बीजेपी को 7 सीटें मिली और वोट मिले 56.56%। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को सीट तो एक भी नहीं मिली, लेकिन वोट मिले 22.51%। वहीं आप तीसरे नंबर पर रही सिर्फ 18.11% वोट लेकर। अगर उन लोकसभा सीटों का अनुवाद विधानसभा सीटों में करते तो आप एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत रही थी। 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई, 47 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही और 23 सीटों पर दूसरे नंबर पर। लेकिन 8.5 महीने में दिल्ली की सियासी फिजा बदल गई, चुनावी मंजर बदल गया, दिल्ली केजरीवाल की हो गई। गोली मारने वालों को झाड़ू से जवाब दिया है। अब जो वोट मिलेगा देश में वो काम पे मिलेगा, सांप्रदायिक मुद्दों पे वोट नहीं मिलेगा। इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं थी जितनी खुशी मुझे अपने केजरीवाल जीतने में है। पराजयों की वैतरणी पार करके केजरीवाल को विजय का स्वर्ग यूं ही नहीं मिला है। उनके पास बीजेपी के बरक्स न संसाधन थे, न कैडर, न पैसा, लेकिन अपने काम का गुमान इतना ज्यादा कि उन्होंने चुनाव को अपने एजेंडे से 1 इंच भी नहीं हिलने दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया मान रही है कि एक क्रांति आई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया मान रही है कि क्रांति आई है, बिजली 24 घंटे हुई है। आप देखते थे पहले कितने पावर कट लगा करते थे, लोगों को फ्री बिजली मिलने लगी है, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किरण बेदी को बनाया था, जो अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के साथ थी। केजरीवाल का चेहरा उन पर तब भारी पड़ गया। इस बार कोई चेहरा न होने से केजरीवाल की चुनौती बड़ी थी, क्योंकि सामने समूची बीजेपी थी और चेहरा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव, एक और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर राहुल बाबा केजरीवाल एंड कंपनी है, जो आज भी कह रहे हैं कि वी आर विद शाहीन बाग। यह चुनाव केजरीवाल के लिए 2015 की तुलना में ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि तब केजरीवाल संयोग से ज्यादा एक नया प्रयोग थे। इसीलिए लोगों ने दांव आजमाया। इस बार केजरीवाल के सामने सत्ता विरोधी लहर का खतरा था, साथ ही इस बार शाहीन बाग के बहाने ध्रुवीकरण का भी खतरा था, जबकि 2015 में बीजेपी भी विकास और अच्छे दिनों की ही दुहाई दे रही थी। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? केजरीवाल ने साबित कर दिया कि 5 साल बाद भी दिल्ली के दिल में उनका ही वास है, लेकिन जनता के दिल में बसे रहना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। केजरीवाल ने अगले 5 साल और उसी इम्तिहान से गुजरते रहना। आज तक ब्यौरा। 2011 में जब अन्ना हजारे सामने आए, जन लोकपाल आंदोलन आया, तो कर्मभूमि दिल्ली थी लेकिन असर पूरे देश पर पड़ा था।
उसी आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ जो लोग मंच पर थे उनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अन्ना हजारे इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया था, सो उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। 2013 के विधानसभा चुनावों में उतरे और उसके बाद दिल्ली की राजनीति में जो कुछ है वो सब इतिहास है। आंदोलन की उंगली पकड़कर राजनीति के रास्ते पर चलते हुए सत्ता की मंजिल तक केजरीवाल 6 साल पहले ही पहुंच गए थे, जब 2013 में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बना ली थी। इस देश के लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे, हमें लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बिल्कुल गर्त में जा रहा है, इस देश की राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, 9 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन का चेहरा थे अन्ना हजारे। तब उनके पीछे खड़ा शर्ट पैंट में यह दुबला पतला सा शख्स दिल्ली की राजनीति को बदल के रख देगा, यह किसको अंदाजा था। तब तो केजरीवाल सिर्फ आंदोलनकारी थे, उनके संघर्ष का रास्ता राजनीति की मंजिल से मिलेगा यह किसी को पता नहीं था, शायद केजरीवाल को भी नहीं। इस पूरे उपवास के दौरान हमने दिल्ली की जनता के दिल को जीतने का काम किया है और दिल्ली की जनता के दिल को हम लोगों ने जीता है। कई लोग कहा करते थे कि चुनावी राजनीति में आए हो, इसमें तो धर्म के नाम पे राजनीति होती है, जाति के नाम पे राजनीति होती है। जन लोकपाल के सवाल पर छिड़ा आंदोलन जब सियासी सत्ता की चौखटों से टकराकर दम तोड़ने लगा, तब अन्ना तो रालेगढ़ से दिल्ली लौट गए, लेकिन केजरीवाल ने आंदोलन को आम आदमी की सियासत में बदल दिया, आम आदमी पार्टी बनाकर। इसकी आदत नहीं हम लोगों को, ना तो हम नेता हैं, ना हमें राजनीति आती है, तो ये बिल्कुल नया रास्ता है। तो हम तो एक्टिविस्ट ही रहेंगे, हम तो जनता के जो अन्याय हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे। केजरीवाल ने पार्टी तो बना ली, लेकिन राजनीति के धुरंधरों को उस पार्टी से खास उम्मीद नहीं थी। इससे केजरीवाल विचलित नहीं हुए, उन्होंने राजनीति की नई धारा चलाई। बिजली का बिल बढ़ा तो लोगों को बिल देने से मना किया, और जब बिजली कंपनियों ने कनेक्शन काटा तो खुद जाकर जोड़ा। कभी थप्पड़ पड़ा, कभी चेहरे पर कालिक फेंकी गई, लेकिन केजरीवाल 2013 के विधानसभा चुनाव में जुटे रहे। खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि तब के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तब सीटों पर सर्वे करने वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि केजरीवाल की पार्टी सीटों के लिहाज से दहाई में भी पहुंच पाएगी। पूरी दिल्ली में एक जबरदस्त लहर है आम आदमी पार्टी की, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर वो लोगों के दिलों के अंदर इतनी ज्यादा उतर गई। दोस्तों, कुछ ना कुछ कुदरत का चमत्कार है। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो आपने 28 सीटें जीत ली और केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हरा दिया। तब से दिल्ली की राजनीति केजरीवाल को अपनी धुरी बनाकर घूम रही है, लेकिन ये धुरी बने रहने के लिए केजरीवाल ने अपनी सियासी चाल बदली। 2015 में केजरीवाल को जबरदस्त बहुमत तो मिल गया, लेकिन केंद्र से टकराव बढ़ता गया। इस दौरान केजरीवाल की पार्टी के विधायकों से लेकर मंत्री तक पुलिस केस में फंसे, लेकिन केजरीवाल इस बार केंद्र से उलझने से बचते रहे। खुद केजरीवाल की उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर नसीब जंग से ठरी रही, लेकिन अनिल बैजल के दौर में केजरीवाल ने एक तरह से संघर्ष विराम कर दिया। लाभ के दोहरे पद के मामले में उनके 21 विधायक फंसे तो भी केजरीवाल ने इसे कानूनी लड़ाई की तरह लड़ा और सियासी मुद्दा नहीं बनने दिया। दिल्ली पुलिस के साथ केजरीवाल ने उलझना बंद कर दिया और बुनियादी कामों पर ध्यान बढ़ाया। चाहे पिछला चुनाव रहा हो या ये चुनाव, केजरीवाल विरोधियों के लिए नक्सल से आतंकवादी तक बनते गए, लेकिन जनता ने उस पर यकीन नहीं किया। ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया, अगर आपको एनआरकी करनी है, एनआरकिस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनआरकी में नहीं लाया जा सकता, यहां सभ्य समाज रहता है। आज केजरीवाल की पार्टी
शाहीन बाग को समर्थन करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या समर्थन कर रहे हो आप? आसाम की आजादी, जिन्ना वाली आजादी, भारत तोड़ने के जहां नारे लग रहे हैं, ऐसे नारों के साथ खड़ा रहना भी आतंकवाद ही है। दिल्ली ने सबसे ज्यादा विश्वास केजरीवाल पर किया है। उस विश्वास के कसौटी पर खरा उतरने के लिए अब उनके पास 5 साल और है। आज तक ब्यूरो चुनावों का ऐलान हुआ था उस समय तक ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी तरह एक तरफा है यह मुकाबला, आम आदमी पार्टी आसानी से सारी सीटें जीत लेगी यहां पर। लेकिन तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। 40 तो स्टार प्रचारक आ गए, उसके 200 तो सांसद आ गए, मंत्रियों की फौज यहां पर लग गई और अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी मुख्यमंत्री हैं वो सब दिल्ली में पहुंचे। लेकिन उन सब पर भारी पड़ा एक नाम, अरविंद केजरीवाल। झूठे वादों वाले नामदार। बीजेपी के 240 सांसद, मोदी सरकार के 70 मंत्री, कई राज्यों के बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 70 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहदरा और द्वारका में 2 रैलियां की और उन दोनों सीटों पर आप जीत गए। गृह मंत्री अमित शाह ने 48 रैलियां और रोड शो किए जिसमें से 43 सीटों पर आम आदमी पार्टी निकल गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 रैली की लेकिन 10 जगहों पर बीजेपी हार गई। दिल्ली के लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर दिलों में विभाजन नहीं बल्कि बुनियादी सवालों पर वोट किया। केजरीवाल एंड कंपनी को ये सब अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो शाहीन बाग को प्रायोजित करने और शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने से ही फुर्सत नहीं है। जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं सबको जाना चाहिए शाहीन बाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रास्ते खुलवाने चाहिए। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं लोग। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को फूटी आंख नहीं देखने वाली दिल्ली की जनता ने विधानसभा में बीजेपी के सारे दल बल को धराशायी कर दिया और जनादेश दिया कि लगे रहो केजरीवाल। आज तक ब्यूरो। 7 साल राजनीति में बहुत लंबा समय नहीं होता है लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की बारीकियों को, राजनीति के गुर को बहुत अच्छे से पकड़ा है। लेकिन अब जो अगले 5 साल हैं उसमें दिल्ली की जनता को उनसे ढेरों उम्मीद है। कुछ उनके वादे हैं, कुछ वो फ्री की स्कीम्स जिन्हें जारी रखना है अगले 5 साल तक। तीसरी बात, सीएम बनने जा रहे केजरीवाल के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। पुरानी योजनाओं को कायम रखते हुए नए वादों को लागू करने की चुनौती है। वैसे ही अगले 5 साल में यमुना साफ करने का वादा किया है जिसकी कसौटी पर जनता इनको कसेगी। दिल्ली को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखने की चुनौती है तो साफ पानी भी एक समस्या है जिसका हल ढूंढना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो जन लोकपाल को लागू करने का है जिसको लेकर केजरीवाल की राजनीति चमकी थी। इन चुनौतियों से जूझने के लिए केजरीवाल का समय शुरू होता है अब। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।